नमस्कार, मी मयूर भावे। मी सिमेंस कंपनीमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे। 3 वर्षापूर्वी भिडे कुटुंबियांची गच्चीवरची बाग बघितली आणि मी भारावूनच गेलो। मला एक प्रकारचं वेडच लागलं। फक्त कचऱ्यावरती एवढी चांगली बाग होऊ शकते हे बघून मला खूपच आनंद झाला। आणि त्यानंतर गेले 3 वर्ष मी माझ्या गच्चीवरती 5-6 टन कचरा तरी जिरवला आहे। फक्त स्वतःचाच कचरा नाही तर इतरांचा, भाजीवाल्याकडून कचरा घेऊन बाग वाढवली आहे। त्यामुळे शहरात राहून सुद्धा शेती करण्याची हौस पूर्ण होत आहे। सौ प्रिया भिडे ह्या आमच्या गुरु आहेत। त्या आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन करत असतात आणि आता मी सुद्धा इतरांना मार्गदर्शन करायला सुरुवात केली आहे। प्रिया भिडेंनी ही एक चळवळच सुरू केलेली आहे आणि त्यामुळे कचऱ्याचा प्रश्न सुटू शकतो असं वाटतं। Hello, I am Gandhali Jadhav. I am a housewife. Priya has been an inspiration for me to start wet waste composting. I was amazed to see the output that she got from her terrace with the compost that she used out of wet waste. I wanted to contribute in my own small way towards the garbage issue that we face. And that's when I attended a demonstration by Priya and I've started my own composting. I have faced quite a bit of problems, but Priya has always been very helpful and eager to solve all my issues. Now I have a lovely terrace garden, which is enjoyed by my entire family and my children to help me in this process of composting. My daughter had an EBS project on wet waste management. So Priya has not only educated me, but also my children indirectly, and through them she has reached out to their schools. Since we face this garbage issue in a very big way, I think everybody needs to take inspiration from Priya and do their bit for their city so that we have a cleaner and greener city for our children's future. Thank you. मी विकास पांजे, माझा स्वतःचा व्यवसाय आहे। सुनील आणि प्रिया भिडे हे गेली कित्येक वर्ष शहरात राहून गच्चीवरती शेतीचे अनेक प्रयोग करतात। वेगवेगळ्या प्रकारचा कचरा त्याच्यावरती वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोसेस करून ते जिरवून त्यापासून ते सेंद्रिय माती बनवतात। त्यापासून वर्षभर ते भाजीपाला तयार करतात। त्यांच्याकडूनच प्रेरणा घेऊन मी माझ्या वर्कशॉपच्या वरच्या गच्चीमध्ये झाडे लावायचा प्रयोग सुरू केला। कचरा आणला, तो जिरवला। स्वतःचं वर्कशॉप असल्यामुळे मी वेगवेगळे त्याच्यासाठी स्टँड फ्रेम्स बनवल्या, थोडी पाणी देण्यासाठीची सिस्टीम बनवली आणि असं करून मी माझ्याकडे आता फळभाज्या, पालेभाज्या अशा घ्यायला सुरुवात केलेली आहे। आता मी याच प्रकारचा जे स्टँड किंवा ट्रेज आहेत त्याचा व्यावसायिक तत्वावरती त्याचं उत्पादन करायचं मी विचारामध्ये आहे। मी त्यासाठी मला सुनील भिडे आणि प्रिया भिडे या दोघांचंही वेळोवेळी मार्गदर्शन मिळतच आहे आणि ते मिळणारच आहे असं मी गृहीत धरतो आणि त्यासाठी मी त्यांना धन्यवाद देतो। धन्यवाद। हाय, आय एम सारंग गंग। आय एम अन इंडस्ट्रियल अँड स्ट्रॅटेजिक डिझायनर। बाय 2050 वर्ल्ड विल हॅव 9 बिलियन पीपल। UN फूड सिक्युरिटी रिपोर्ट 2014 स्टेट्स दॅट वी नीड टू रॅडिकली इनोवेट हाऊ वी प्रोड्यूस हेल्दी, न्यूट्रिशियस अँड लोकल फूड। Priya and Sunil Bhide's rooftop garden is one of the best solutions I have ever come across. Their use of bio-waste to produce vegetable has to be a pattern all across urban areas. With Priya and Sunil Bhide, I always get motivated to do new and innovative things. Recently, I have been working with them on a new venture focused on making urban agriculture, urban farming accessible to most people. थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर एन साई भास्कर रेड्डी है और मैं एक पर्यावरण वेत्ता हूँ। मैं इस पर्यावरण विषयों पे पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ और देश के 17 राष्ट्रों में मैंने काम किया है। और मैंने जो दो किताब लिखा है, एक है बायोचर कल्चर और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग स्टोर्स। और इसके अलावा मैं बहुत सारे पर्यावरण विषयों पर काम करता हूँ। मैं श्री सुनील भिडे जी और प्रिया भिडे जी
को पिछले 6 साल से जानता हूँ और मैं पुणे एक बार आया था जब सुनील जी मुझे बुलाए थे, तो मैं पहले बार उसने मुझे अपना ये रूफ टॉप गार्डन मतलब छत का ऊपर जो बगीचा उसने किया है उसको फर्स्ट टाइम दिखाया। और उस दिन से मैं आज तक जब भी पुणे आता हूँ, शायद सुनील जी से या प्रिया जी से मिले या ना मिले, मुझे तो वो रूफ गार्डन देखने के लिए मन लगता है। इसमें अनेक विषय है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पेड़ उगाने के लिए लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, लेकिन जगह बहुत है अगर अपन सोचे तो। और यहाँ देखने को उतने सारे चीज़ देखते हैं जहाँ पेड़ कहीं भी उगा सकते हैं। और स्पेशली इसके लिए सॉइल, हम बोलते हैं मिट्टी चाहिए, वो चाहिए, ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में जितने भी पत्ता है, जितना भी कचरा है जो ऑर्गेनिक है, तो उस कचरे से हम कंपोस्ट बना सकते हैं और उस कंपोस्ट का ऊपर ही हम पेड़ पौधे उगा सकते हैं। और पानी की भी उतनी ज़रूरत नहीं है, हम ड्रिप इरिगेशन के जरिए थोड़ा पानी देने पर भी हम पेड़ अच्छा उगा सकते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि हर एक पेड़ है, वो फल का पेड़ है और फूल का पेड़ है या वेजिटेबल्स जो सब्जी बोलते हैं भाजी और वाइन्स है, और आप हर एक बड़ा बड़ा पपाया टाइप बड़ा पेड़ भी है, तो हर एक पेड़ इधर देखने को मिलता है। इसके अलावा पानी का पेड़ भी है और मछली भी है पानी में। और हम देखते हैं कि ये सब सारे चीज़ जो हम कहीं जंगलों में गए और कहीं बाहर गए और पर्यावरण में हम देखने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन हम अपने घर में ये सारे चीज़ देख रहे हैं। और यहाँ इस पेड़ों के वजह से इतना अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा है और आँखों के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए, प्योरली जो ऑर्गेनिक जो इधर उग रहा है वो खाकर भी अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और इन रूफटॉप गार्डन के जरिए इन्होंने कई लोगों को इंस्पायर किया है और अभी भी ये लोग स्कूल में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ के घर के यहाँ बहुत सारे लोग वीकेंड्स पे होने दो, कई दिनों में भी उन लोग आते हैं और देख के जाते हैं। और उन लोग भी अपने अपने स्थानों पे अपने अपने जगह में उन लोग भी अपना रहे हैं। और ये हर एक शहर में ये रूफटॉप जो होता है कुछ नहीं होता कचरा के अलावा, या कोई काम का चीज़ नहीं, वो पूरा पड़ा पड़ता है। लेकिन हम ये रूफटॉप के जरिए हम अच्छा पेड़ उगा के, और वॉकिंग के लिए लोग वो पोल्यूशन के रोडों पे घूमते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर अपने घर में बगीचा है तो उधर ही काम करो, उधर ही चलते रहो और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप कुछ पर्यावरण के लिए भी अच्छे कर रहे हो, क्योंकि यहाँ का वातावरण सिर्फ अपना घर का ही नहीं, चारों ओर जितने भी बिल्डिंग है और घर है उन लोगों के लिए भी एक अच्छा हवा मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और देखने की खूबसूरती भी मिलेगी। और यह चीज़ यहाँ हो रहा है। और हम देखते हैं कि इन लोगों ने श्री सुनील जी और प्रिया जी अपने मित्रों के साथ अभी देवराय का भी उन लोगों ने उनका कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए उन लोगों ने काम शुरू किया है। इसका मतलब हम जो कोई भी पर्यावरण वेता है जैसा ये सुनील जी और प्रिया जी है, तो हर कोई सोचना चाहिए अपना घर एक ही नहीं अपना पर्यावरण भी अच्छा हो जाए। और इसके जरिए अपना वातावरण और अपने जो बारिश भी टाइम पे गिरने का चीज़ है और गर्मी कम होने का, तो हर कोई चीज़ हम बैलेंस कर सकते हैं, इससे कि हम ही ने और अपने आने वाले दिनों के लिए हमारे बच्चों को भी एक मॉडल के जरिए हम काम करके ये सिखा सकते हैं कि हम ऐसा करके हम सस्टेनेबल सिटीज़ भी बना सकते हैं। और मैं श्री सुनील जी और प्रिया जी को बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है और दुनिया को ये बताया है कि हम अपने घर पे ही इतने सारे पेड़ उगा सकते और इतना अच्छा उगा सकते और इतने लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। और हम और आगे भी हर एक घर पे ऐसा ही बगीचा देखना चाहते हैं। और हम भी हमारे हैदराबाद में या अनेक शहरों में जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं भी ये प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ जैसा सुनील जी ने किया है। और मैं भी हमारे यहाँ और हमारे घर में थोड़ा पेड़ है, लेकिन और भी इससे भी ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करूँगा। मुझे ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।